ये है जंगल रिसोर्ट चांदी का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी ये जो है जंगल रिसोर्ट है दांडेली में, टूरिज्म यहाँ पर अच्छा चलता है जिसके वजह से ये एक अच्छा जाना माना एक जंगल रिसोर्ट है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और दांडेली का नाम इसके वजह से और भी ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि इनके ज़रिए पर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग और जैकुज़ी बात और वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं। तो आप चलिए, यहाँ पर एक कोबरा है और उसको मैं रेस्क्यू करने वाला हूँ। किस तरीके से, कैसे मैं उसको पकड़ सकता हूँ या रेस्क्यू कर सकता हूँ, आप वीडियो में बने रहे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, बैग में से मेरा हुक लेकर से चलो, उनको बोलो मेरा हुक, मेरे बैग है ना काला कलर का साइड में, उसमें हुक है, देखो तो अभी हम लोग सांप को बाहर निकालने के लिए होल के अंदर पानी फ्लो करेंगे। पानी का फ्लो से पानी भर जाने की वजह से सांप क्या करता है कि वो सांस ले नहीं सकता पानी के अंदर, तो वो बाहर आएगा। इस तरीके से उसको बाहर ला के हम लोग रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम इधर पानी छोड़ने वाले हैं। पानी अभी स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे पानी इधर भरेगा, पानी ओवरफ्लो होने के बाद में उसके सर के ऊपर से अगर पानी आने लगे तो वो बाहर आएगा। तो ऐसे करके हम उसको बाहर आने के लिए मजबूर करेंगे और उसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। ये भी पानी यहाँ भर रहा है, फिर मैं दिखाता हूँ। सांप अभी दिख रहा है, ये देखिए अभी आधा घंटा हो गया हमको पानी डाल के, तो अभी इसको और थोड़ा बाहर आने के बाद में मैं मूवमेंट करूँगा, वरना जैसे ही मैं यहाँ से हिलूँगा और ये फिर से अंदर चला जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। पानी डाल के उसको रेस्क्यू किया, बैग में पूरी तरीके से गया या फिर यहाँ ट्विस्ट जाकर किया हुआ है, उधर पर ही अपना सर दबा के रखा हुआ है या देखना पड़ता है। तो अभी इसको सक्सेसफुली हमने रेस्क्यू किया, तो इसको अभी हम लोग यहाँ से ले जाकर जंगल में इसकी रेसिडेंशियल एरिया में और इसके हैबिटेट एरिया में छोड़ देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, रिलीज का भी वीडियो आपके साथ में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो अभी ये रिलीज़ करने के लिए हम आए हुए हैं, मैं और फारूक। उस समय जब हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया था, बहुत ही उधर क्राउड होने की वजह से और उधर लाइट की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने की वजह से हम लोग सही तरीके से हमने नहीं लाया, तो अभी हम इसको रिलीज़ करने के लिए आए हुए हैं। ये जंगल है और यहाँ इसके लिए भरपूर खाने की चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर मेंढक और जंगली चूहे वगैरह सब यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि पास ही में एक नदी है छोटी सी, तो उस तरफ जाके अपना शिकार को ढूंढ सकता है। तो चलो अभी फारूक के जरिए अभी मैं इसको रिलीज करना चाहता हूँ। तो फारूक इसको निकाल के अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, ज्यादा इसको ना सताते हुए छोड़ देगा, सिर्फ उधर से पलटी कर, बस बैठा तू से एक उसड़ा, अभी दुम पकड़ दो, उसका मुंह इधर है, दुम पकड़ निकाल ले, निकाल पूरा, तो अभी मैं इसका ध्यान बताता, तो अभी छोड़ देंगे इसे। तो जो कोबरा होता है उसके दांत सीधे होते हैं और रसल स्वाइपर के दांत एकदम ऐसा मूवेबल होते हैं, फोल्डिंग होते हैं। तो रसल स्वाइपर का जो दांत का मैकेनिज्म ऐसा काम करता है कि उसका जब दांत मूव होता है तो उसके जो जहर के दांत होते हैं उसके अंदर से वेनम
रिसने लगता है, प्रेशर से बाहर आता है। इसके लिए उसका कभी भी ड्राई बाइट नहीं होता। कोबरा के वेनम के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से, ये अपना वेनम पर कंट्रोल करने की वजह से ये ड्राई बाइट भी कर सकता है। तो मैं इससे ज़्यादा जानकारी देने के लिए टाइम ज़्यादा ले नहीं सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू और रिलीज दोनों वीडियो में मिलाकर डालने वाला हूँ। तो इसके लिए अभी फारूक से कहना चाहता हूँ कि फारूक इसको अभी जंगल में छोड़ दे और ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, उस तरफ उसे छोड़, यहाँ से, हाँ छोड़, मैं इसको उस तरफ छोड़, छोड़ दे, दुमड़ी छोड़ दे, बस ये अभी जंगल में जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने इसको जंगल में छोड़ दिया तो ये अपने हैबिटेट एरिया में चला गया, और सांप के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जगह उसकी हैबिटेट एरिया, वो जैसे अनुकूल उसके आहार के लिए, अगर वो जगह पर अनुकूल प्रचुर मात्रा में आहार होगा तो वो खुशी से अपना जीवन यापन कर सकेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सांपों को हमको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप प्रकृति को बैलेंस रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और उनकी वजह से हमारे खेत खलिहान में चूहों वगैरह की जो संख्या होती है, जनसंख्या, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बाय बाय।